नमस्कार, मैं दीप नेगी, जंगली चैनल उत्तराखंड बिटी। आज आया छो यख बूढ़ा केदार की धरती में, और आज हम आपको बता रहा जो बूढ़ा केदार जो यू विशाल का मंदिर था, ये के महत्व के बारे में, ये का पुराने एक महत्व के बारे में आवा चला बूढ़ा केदार का जो हमारो महादेव का जो मंदिर। मैं हिम्मत रोतेला, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य थाती बूढ़ा केदार। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन कर दूं कि आप ये पौराणिक बूढ़ा केदारनाथ मंदिर का दर्शन का खातिर हमेशा यख माओ, किले की बूढ़ा केदार केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री को जो पैदल को मुख्य मार्ग थे, यू बूढ़ा केदार ही हुए थे, यख बड़ी पैदल यात्रा चलती थे। मेरे आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप जो सा बूढ़ा केदारनाथ का दर्शन करे दें, पुण्य का भागी बनो। मैं भूपेंद्र सिंह नेगी, बूढ़ा केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष। मैं यख सभी यात्री सभी दर्शनार्थियों को स्वागत कर दूँ और भगवान भोलेनाथ से उनकी मनोरथ पूर्ण करने की कामना कर दूँ। हम रावल अमरनाथ पुजारी बूढ़ा केदारनाथ से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बूढ़ा केदारनाथ सबसे पहले तो ये है कि बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं यहाँ का नाम है कि यहाँ पर पांडवों को द्वापर में भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए, दर्शन दे के वो शिला रूप हो गए। अब ये तो आपने सब सुन लिया कि केदारनाथ भगवान यहाँ से गए, यहाँ भगवान ने उनको दर्शन दिए, और ये जो पांडव जो द्वापर में आए, द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों के गोत्र में गोत्र हत्या का पाप लग गया था। भगवान वेद व्यास जी ने इन पांडवों को द्वापर में हिमालय की ओर भेजा था। तो हिमालय की ओर उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग में आ गया। ये पांच पर्वतों के बीच में है। इनके नाम भी हैं सिद्धपीठ, महापीठ, स्वर्गारोहणी, उत्तरारोहणी और सतोपन। पांडव इसलिए आए कि पांडवों ने पाप किया था, अपने गोत्र के लोग मारे थे युद्ध में महाभारत में। जी, तो इनको पाप लग गया था। तो भगवान वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी को जो है भगवान शंकर के पास भेजा। हाँ जी। कहाँ भेजा? यहाँ भेजा, उत्तरी भाग में कैलाश। तो यहाँ पर आके भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन दे के भगवान यहाँ से निकले तो केदारनाथ गए। फिर उन्होंने पीछा किया तो भगवान ने वहाँ उनको भैंसे का रूप दिखाया। फिर वहाँ से सिर जो है काठमांडू नेपाल निकला, वो पशुपतिनाथ हुआ। फिर वहाँ भगवान ने उनसे मंदिर बनवाया, वहाँ पृष्ठ भाग के दर्शन दिए, फिर उनको वापस भेजा। हाँ जी। जाओ पांडव, तुम जहाँ मैंने तुमको वृद्ध रूप में दर्शन दिए वहाँ पर तुम्हारे सारे पाप जो तुमने पाप किए वो समाप्त होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये पांडव लोग दिल्ली से पैदल आए थे और उस समय आए जब गाड़ी मोटर नहीं थी, और यहाँ पर पहुँचे द्वापर में, और सतयुग से यहाँ भगवान वास कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ के दर्शन करने से सबके पाप समाप्त होते हैं और सब जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बूढ़ा केदारनाथ है आशुतोष, और ये जो आपने सुना है सबके लोगों से कि ये समाधियाँ हैं परंपरा से, सतयुग से सती समाधि है, वो चल रही है, अभी भी चल रही है, और 12 महीने की यहाँ पूजा है, अखंड पूजा है। इस प्रकार से ये बूढ़ा केदारनाथ है, और यहाँ के जो हम लोग रावल हैं, और यहाँ का लाभ ये है कि यहाँ के दर्शन करने से सारे पाप समाप्त होते हैं। हाँ जी। कि अब अगर आगे जाके वो पाप न करे तो सारे पाप समाप्त, और पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो है भगवान बूढ़ा केदार का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों का चैनल कौन सा है? जंगली चैनल उत्तराखंड। जंगली चैनल जी को मैं मतलब भगवान की तरफ से शुभ आशीर्वाद देता हूँ, बूढ़ा केदारनाथ जी की तरफ से, और आगे आपकी तरक्की हो, बहुत बहुत, और इसका प्रचार प्रसार आप करें जी, और संसार जो अंधकार में पड़ा है वो दर्शन मात्र से ही, यहाँ के दर्शन मात्र से उनके पाप समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी। भगवान सबके ऊपर दया करें जी।